नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। सिरमौर चौराहे पर विश्वविद्यालय मार्ग से बनने वाले फ्लाईओवर का विरोध प्रारंभ। दुकानदार ज्ञापन लेकर पहुंचे कलेक्टर के पास। उनका कहना, सैकड़ों दुकानदार होंगे प्रभावित, कई घरों में नहीं जलेगा चूल्हा। रीवा जिले की सड़क एक बार फिर खून से रंगी। अनूपपुर से इलाहाबाद जा रही बस गढ़ के पास टिकरी में खड़े ट्रक से टकराई। चालक सहित एक यात्री की हुई मौत, कई गंभीर। घायलों का उपचार संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। बाकी लोगों को दूसरी बस से इलाहाबाद भेजा गया। इलाहाबाद मार्ग पर जल्दी जल्दी दो बड़े हादसे, 17 मौतें। फिर भी 32 सीटर बस 100 से ज्यादा सवारी को लेकर चल रही। पुलिस मौजूद लेकिन मूक दर्शक बनकर रह गई। ये हाल है आज का रीवा से इलाहाबाद जाने वाले मार्ग का। बहन के साथ छेड़छाड़ के चलते लगभग एक साल पहले हुई थी हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश जारी। मोगज थाना क्षेत्र के दुधमनिया गांव का है मामला। पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम में किया खुलासा। रीवा जिले की सड़क एक बार फिर खून से रंगी। अनूपपुर से इलाहाबाद जा रही बस गढ़ के पास टिकरी में खड़े ट्रक से टकराई। चालक सहित एक यात्री की हुई मौत, कई गंभीर। घायलों का उपचार संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। बाकी लोगों को दूसरी बस से इलाहाबाद भेजा गया। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने रायपुर करचुलियान में नए आंगनबाड़ी केंद्र का किया उद्घाटन। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पौष्टिक आहार वाले व्यंजन की लगाई प्रदर्शनी, जिससे लोगों ने खूब सराहा भी। रीवा के TRS कॉलेज में 70-80% पाने वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। हिंदू छत्री वाहिनी कॉलेज पहुंची इस सवाल के साथ, TRS कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती या छात्र ही पढ़ाई नहीं करते। नई और ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।